हे सर, तुम्हारी देवरानी कहाँ है? सो के नहीं उठी है का अब तक? अरे मालकिन, बहुरानी रात को देर से सोई होंगी। अरे चुप हो जा, जा बाबा के लिए चाय ले जा, गुस्सा आएगा। सुन, महारानी को भी चाय बिस्तर पर दे देना। वैसे भी कल से तो बहुरानी जी, ओ बहुरानी, बहुरानी जी चाय लाए थे हम आपके और कृष्णा बाबा के लिए, लीजिए। हमें नहीं चाहिए। अच्छा, बहुरानी को कुछ नहीं चाहिए। माँ जी, उनका कोनो उपवास है का? का है? अरे चाय नहीं पीती होगी, पढ़ी लिखी है। चाय नहीं पीती होंगी वो तो ठीक है, मगर सोती तो होंगी ना। का मतलब? का है, उनका बिस्तर ज्यों का त्यों है। ठीक से देखी हो? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक से देखा। अरे अपने इन्हीं नाखून से देखा है। चादर में एको सिलवट नहीं थी और फूलों की लड़िया भी जैसी की वैसी ही थी। बाबा कहाँ है? पता नहीं। तो इसकी आवाज थी। पता नहीं का मतलब? अभी कृष्णा को तुम्हारे साथ होना चाहिए था और तुम कह रही हो कि पता नहीं। प्रतिज्ञा जी बोल बोल के पूरे घर को अपने माथे पे उठा लिया था। तुमसे ब्याह करने का भूत सवार हो गया था उसके सर पे। पर यहाँ तो नजारा ही कुछ और है भाई। सुहाग रात की पहली रात को सुहाग की सेज वैसी की वैसी सजी है, हैं? क्या है? क्या बात है? ब्याह करके लाया है वो तुमको और तुम पर उसका पूरा हक बनता है। और औरत का पहला फर्ज होता है अपने मर्द को खुश रखना। सुने तो थे कि बहुत पढ़ी लिखी हो, बहुत समझदार हो,
कहाँ गई सारी अकलमंदी? हाँ? लगता है तुम्हारी अम्मा ने तुमको कुछ सिखा पढ़ा के नहीं भेजा है। सुहागन हो गई हो लेकिन ये नहीं मालूम है कि सुहाग रात का चीज होती है, अपने मर्द को कैसे खुश किया जाता है। अभी से हाव भाव शुरू हो गया, नाटक शुरू तुम्हारा है? एक बात कान खोल के सुन लो, पहली रात को जो मर्द अपने बीबी को नहीं छूता है, उस औरत को पूरे समाज में कभी इज्जत नहीं मिलती है, कभी नहीं। कहीं कोई और बात तो नहीं है? कहीं ब्याह के पहले ही तो सब कुछ? फिर काहे के लिए सास सिंगार की थी? के लिए कि मर्द आए, तुमको देखे और ऐसे ही उठ के चला जाए? रूप रंग किस काम का जो मर्द के कदम ही ना रोक सके? यही समझा रहे थे कि हमारे घर का ये रिवाज नहीं है कि सारी औरतों के उठ जाने के बाद नई बहुरानी उठे। अरे कल से सारी औरतों के उठने से पहले उठना है तुमको। अब रूपवती तो हो ही, पर खाली रूपवती होने से काम नहीं चलता है, गुणवती भी होके दिखाओ। समझाओ।